तो दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आपके लिए जनरल साइंस की जो सीरीज है चालू की गई है, और इस सीरीज में हमने जो है आपके जो रेलवे 2018 और 19 में जो आपके कंडक्ट कराए थे पेपर, उसका ये मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने इंक्लूडेड किया है इस मतलब की जनरल साइंस के सीरीज में। बायोलॉजी का सेक्शन जो है आपको अलग से करवाया जाएगा, तो वो भी आपका जो है इस चैनल पर कवर हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको ALP का इसमें क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद ग्रुप डी का मिलेगा, और आपका कुछ क्वेश्चन RPF का मिलेगा और JEE का मिलेगा। यानी कि पूरे दो साल में जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराए हैं रेलवे ने, उनका सारा जितना भी अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा गया है, वो मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको मतलब पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो लोग शुरू से बने हैं उनको तो मालूम है कि इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे अलग कंसेप्ट सीखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना रहती है कि आने वाले एग्जाम में वो उस कंसेप्ट से पूछा जा सके। ठीक है, तो एक साथ हम लोग कई कंसेप्ट को देखते रहते हैं ताकि आपका भी रिविजन पूरा ओवरऑल हो सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। कंसेप्ट आपका भी रिवीजन होता रहे, इसीलिए मैं इस सीरीज को चालू करता हूं, ताकि जो है आप इसको मतलब हमेशा प्रैक्टिस में बने रहें। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके एल्कीन सीरीज जो है, ठीक है, इसमें जो पूछा जा रहा है एल्कीन सीरीज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम हैव अ जनरल फार्मूला विच इज। देखिए आपको मालूम है कि जो आप कार्बनिक कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें तीन जो है फार्मूला मतलब आते हैं कंपाउंड। तो ये एक जो होते हैं आपका एल्कीन होता है सीरीज, एक जो होता है एल्कीन होता है, और एक जो होता है आपका एल्काइन होता है। ठीक है, ये सीरीज होता है, इन तीनों का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2N+2 होता है, इसका जो होता है CnH2n+2- होता है। देखिए तो ये प्लस टू और माइनस टू कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो है आपका हो जाएगा केवल CnH2n हो जाएगा। आप दो दो माइनस करते जाइएगा तो तीनों का आपका जो है मिल जाएगा CH2n, और फिर ये माइनस टू कर दीजिए तो ये एल्काइन का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है वो आपसे एल्कीन का पूछा गया है। ठीक है, एल्कीन का पूछा गया है तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका CnH2n होगा, जिसका राइट आंसर जो है आपका ये दिया गया है। इसके बाद आप इसका देख सकते हैं, ये वाला जो है एल्कीन का है, और एल्काइन का भी आप याद रखिएगा, ये आपका CnH2n-2 होता है। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि एल्कीन सीरीज की स्टार्टिंग होती है वो मेथेन से होती है, ठीक है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन का जो होता है वो आपका एल्कीन की बात करें तो एथीन से होता है, और एल्काइन का बात करें तो इथाइन से होता है। तो एल्कीन जो होता है उसके अनुसार जो है आप C2 से स्टार्ट करते हैं, और आपका ये दो यहाँ पे रखिएगा तो ये चार हो जाएगा। इसी तरह यदि यहाँ पे बात करें इसका, तो ये देखिए C2 और यहाँ पे दो दो चार, चार माइनस दो यानी कि दो हो जाएगा। तो इनका जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट सीरीज जो होती है इस मतलब कि आपके सीरीज का, जैसे एल्कीन सीरीज का फर्स्ट जो आपका कंपाउंड होता है वो क्या होता है, तो वो आपका एथीन होता है और ये इसका इथाइन होता है। ठीक है, तो ये सीरीज भी पूछा जाता है, इसको जो है आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए जो होते हैं आपका होमोजीनियस सीरीज कहलाते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि होमोजीनियस कहने का मतलब ये है कि इनमें जो है CH2 का जो है एटम का जो है मॉलिक्यूल्स का अंतर आता है, चाहे आप ये तीनों सीरीज में देख लीजिए, इसीलिए इनको बोला जाता है होमोजीनियस सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे मेथेन हो गया ये आपका एथेन हो गया, चार दो छः हो गया, इसी तरह आप प्रोपेन लिख सकते हैं ये यहाँ पे 8, और किसी दो के बीच में यदि आप देखिएगा तो आपको CH2 का अंतर मिलेगा। आप इनके बीच में भी देख सकते हैं तो ये आपको CH2 का अंतर मिलता है। ये हम एल्कीन का एक एग्जांपल लेकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे तो आप एल्कीन के सीरीज भी देख सकते हैं और एल्काइन का सीरीज भी देख सकते हैं। तो इनको अलग ढंग से भी पूछा जाता है कि होमोजीनियस सीरीज में कितने यूनिट का अंतर रहता है, तो वो आपका CH2 मतलब कि अंतर रहता है इसमें यूनिट का। और ये तीनों के तीनों सीरीज जो होते हैं आपके होमोजीनियस सीरीज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे, तो आप चाहें तो नोट डाउन करते रहिए,
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और मैं एक साथ जब यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो जो भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं वो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ और इसी के माध्यम से मैं पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा इस सीरीज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है पूछा जा रहा है क्या कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ हीलियम। तो देखिए ये कंसेप्ट जानते हैं आप कि जो नंबर ऑफ मोलों की संख्या होती है वो आपका गिवेन आपका जो होता है मास वेट जो होता है और आपका मोलर मास होता है और इसको जो है आप वो भी कह सकते हैं गिवेन मास या गिवेन वेट, क्योंकि मास वेट सब सेम ही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका मोलर मास कितना हो जाएगा, आप जानते हैं हीलियम को जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आपका 4 होता है इसका और यहाँ पे गिवेन मास की बात किया जाए तो ये कितना दिया है 54 ग्राम दिया गया है और ये आपका जो है 4 ग्राम है तो इसको जो आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका जो है 13.5 आ जाएगा जो कि मोलों की संख्या होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक लीटर से भी रिलेटेड होता है जिसमें कि वॉल्यूम का होता है तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं करवा दूंगा आपको यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो है फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मोलों की संख्या जो होती है वो आपका गिवेन मास अपन में मोलर मास होता है। और एक चीज और भी आप याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 × 10³ होता है। ये पार्टिकल्स हो सकता है या आपका एटम्स हो सकता है या फिर आपका मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, ये एक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम एट द 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं कि जो साउंड होता है उसका जो स्पीड होता है, ठीक है, वो मतलब वेलोसिटी जो होती है या स्पीड वो क्या होती है, मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड में होती है। और यहाँ पे जो दिया गया है तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो मैक्सिमम होती है वो एल्यूमिनियम में होती है, ये आपका 64:2 मतलब कि आपका 64:20 होता है और आपका आयरन का जो होता है ये लगभग 5130 के लमसम में होता है, ठीक है। तो जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं दोनों के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी वैल्यू जो है आपको याद रखना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो है वैल्यू आती है आपके ग्लास का, तो इसकी वैल्यू जो है याद रखिएगा, ठीक है। इन तीनों पर क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाते हैं मतलब आपके एग्जाम में, तो इनको एक मोटा मोटी आप आंकड़ा याद रख सकते हैं कि 6400 के लमसम में एल्युमिनियम का होता है और 5100 के लमसम में जो है आयरन का होता है और इन दोनों के बीच में जो होता है ग्लास का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है इसको आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, ये आपका दिया गया है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल यानी कि ये आपका जो ये हो गया, ये आपका नंबर इसके नीचे जो है, ठीक है, उसका जो है कौन सा एलिमेंट होगा वो उसका एटॉमिक नंबर आपको बताना है, ठीक है। जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये जो बात की जा रही है ग्रुप की बात की जा रही है, क्योंकि इसके ग्रुप यानी कि अबव और बिलो की बात जो की जा रही है वो आपका ग्रुप से बात किया जा रहा है और ग्रुप के लिए बात किया जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि आपको पता चल जाए मोटा मोटी तो आप जो है मतलब कि आंसर बता सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे देखूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो देखिए 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10, 2, 12, 12 × 3, 15, ठीक है। तो 15 ये हो गया। अब यदि हम मोटा मोटी देखा है तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसका यदि हम बात करें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब हमको इस सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से चेक करना होगा कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 शो कर रहा है, क्योंकि जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रुप के बारे में बताता है,
उसके आधार पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम 39 की बात करते हैं तो देखिए 39 का जो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 28 ये आपका 18 हो जाएगा, 18 दो 20 28 हो जाएगा आपका, 28 दो 30 और ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 11 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें आपका 33 का तो आप देखिए इसका तो 28 ये आपका 18 हो जाएगा, 18 दो 20 28, 28 दो 30 यानी कि ये 5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, यानी कि ये दोनों जो है एक ही ग्रुप के होंगे। इसके बाद आप 34 का देख सकते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा जो कि मैच नहीं करेगा। उसी तरह 31 का भी आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी 34 है, और इसके बाद 31 है तो यहाँ पे देखिए आप इसके कंपेयर में 2 कम हो जाएगा यानी कि आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये वाला आपका मैच कर रहा है यानी कि ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो आप इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन से बता सकते हैं। अदरवाइज आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो है आपका इन्वर्सल मेथड है। यदि किसी टाइप का क्वेश्चन इस पे और भी अदल बदल के पूछे तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, आपका राइट आंसर आएगा। चाहे तो आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो था ये 15 था, ठीक है, जो दिया गया था इसके नीचे जो है आपसे पूछा गया था इस एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, ये देख सकते हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके जो है 15वें ग्रुप के एलिमेंट है, ये देख रहे हैं आप जस्ट इसके नीचे है, तो आपका जो आंसर जो है सटीक आएगा। अब सबको आपको याद तो रख नहीं सकते हैं, अब कितना याद रखिएगा, एलिमेंट याद रखिएगा या फिर उसका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, उससे बढ़िया कंसेप्ट याद रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बता सके, आप इस बेसिस पे पूछे या इस बेसिस पे पूछे या इस बेसिस पे पूछे। और वैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि इनके एलिमेंट याद रखने जरूरी है, आपके फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये आपका आपका 17 और 18 ग्रुप का, क्योंकि इन एलिमेंट के बेसिस पे जो है क्वेश्चन मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जैसे इसमें क्या है कि आपको चेक करने में टाइम लग रहा है निकलने के लिए, तो इस मेथड से इसके भी एलिमेंट निकल जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों मतलब कम से कम जो है 4 ग्रुप के एलिमेंट जो है आप याद रखें तो बेटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे, ये तो आपने देख लिया, वेरीफाई कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि फाइंड द एनर्जी पोजिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 10 kg व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ द 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन इज 9.8। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, जहां पे भी यदि पोजीशन की बात की जाती है आप समझ जाइए कि पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका mgh होगा, m की वैल्यू आपकी 10 kg दिया गया है, g की वैल्यू यहाँ पे बोला गया है कि 9.8 लेना है और ये आपका 6 लेना है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है 588 जूल आएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होके आज जल्दबाजी में कीजिएगा तो कुछ लोग ये मार के भी चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो कभी भी जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो दो चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका यूनिट जो है वो क्या है, ठीक है, और जो दिया गया है, जो क्वेश्चन में यूनिट भी दिया गया है उस पर भी ध्यान रखें कि केजी में दिया गया है या ग्राम में दिया गया है या मीटर या सेंटीमीटर में दिया गया है, जो भी मतलब दिया गया है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि जल्दबाजी में ध्यान नहीं देने की वजह से आंसर आपका गलत हो जाता है और उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट का वेरिएशन बहुत मायने रखता है आपके सिलेक्शन में, पॉइंट पॉइंट में कई लड़के अंदर और बाहर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कीजिए, इस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग अलग ढंग से पूछा जाता है आपसे। देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल पूछा जा रहा है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ पे भी आपका लोकेशन या पोजिशन वाइज, ठीक है, जहाँ पे भी पोजिशन की बात होती है वहां पे समझ लीजिए कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो बोला जा रहा है कि आपका एक ब्रिक है लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, ठीक है, ये रूफ ऑफ द हाउस पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग ऑफ अ वॉच व्हेन द
उंड अप, तो देखिए आपका जो है वाच जो होता है ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होती है ठीक है। इसके बाद यदि कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात करें तो ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है ठीक है, तो क्या होता है कंप्रेस होता है फिर जब जैसे ही छोड़ते हैं ये अपना नेचुरल कंडीशन में आता है, तो इसमें क्या होती है लेंथ में चेंजमेंट होने की वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद देखिए वाटर जो है स्टोर करते हैं हम लोग डैम वैम बनाकर ठीक है, तो वहां पे भी जो है आपका क्या होता है कि मतलब कि जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो या तो ये एक एक करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है या फिर आपको यहाँ पे चार क्वेश्चन एक ही में सम्मिलित कर दिया है, तो ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल है आपके पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल है। आप हमेशा इन एग्जाम्पल को जो है ध्यान में रखिएगा। एक दो और एग्जाम्पल है जैसे लब्बड़ का भी है, जैसे स्प्रिंग का, उसी तरह से कि यदि मान लेते हैं कोई लब्बड़ है उसको आप खींचते हैं ठीक है, तो उस समय जो एनर्जी स्टोर होता है या रिलीज करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी स्टोर और रिलीज होता है, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके पोटेंशियल एनर्जी को, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट आप जानते हैं कि इनको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं हम लोग ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और इनका जो है आप देखिएगा तो जो लोकेशन होगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए यदि आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखें तो ये देखिए आपके जो होते हैं ये आपके एस ब्लॉक होता है, ये आपका इधर पी ब्लॉक होता है और ये आपका डी ब्लॉक होता है और ये जो होता है आपका ए ब्लॉक होता है ठीक है। तो आप देखिएगा तो यहाँ से ये तीन से स्टार्ट होता है और ये आपका 12 तक होता है, ये आपका जो डी ब्लॉक होता है। यानी कि यदि क्वेश्चन इसको दो तीन तरह से पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ से होती है, तो 3 और आपका 12 तक होता है, किसके किसके बीच में आता है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये आपका 13 के बीच में आता है। और ये क्वेश्चन आप देखिए आपसे किस तरह से पूछा गया है, तो ये आपको पूछा गया है बिटवीन के फॉर्म में और आपका कोष्टक में ये दे दिया गया है, तो आप इसका राइट आंसर मार सकते हैं कि 2 और 13 के बीच में होता है और आपका 3 से 12 के बीच जो होता है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बताया हूँ कि एस ब्लॉक का भी कभी कभी पूछ सकता है ठीक है, तो एस ब्लॉक का आपका ये वाला मतलब जो है आपका एस पी डी जो मैंने अपने बताया था अभी और एफ ये नीचे वाला, इनको जो है आप याद रखिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको और भी तरीके से पूछा जाता है, एटोमोसिटी के नाम से भी पूछा जाता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि इस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो एटम्स कितने परसेंट हैं इसमें और किसके कितने हैं, तो देखिए कैल्शियम के जो है एक एटम परसेंट है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम परसेंट है और हाइड्रोजन के जो है आपके 2 एलिमेंट परसेंट है, दोनों तीनों का ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो इसकी एटमोसिटी भी पूछे तो आपका कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल, एथेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये देखिए आपका मतलब कि फैक्ट बेस्ड है, इसको जो है आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा बराबर, तब जाकर ये आपको याद रहेगा। तो ये आपका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें हो सकता है कि आपने 78 डिग्री सेल्सियस याद रखा है आदि इस एग्जाम में, जैसे इस तरह पूछा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में फॉरेनहाइट के फॉर्म में पूछ दे ठीक है, तो वो आपका कन्वर्जन जो टेबल होगा वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो आपका मैंने बताया हूँ कि C/100 F-32/180 और आपका जो है यहाँ पे K-273/100 और R/80 ठीक है, तो यहाँ पे ये काम आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, वही चीज मैं आपको इस सीरीज में बताता रहता हूँ कि आप कंसेप्ट के साथ चलिएगा तो हमेशा मतलब कि आपका जो है काम बनता जाएगा, तो कंसेप्ट को कभी मत छोड़िए। क्वेश्चन भले ही आपका जो है इधर उधर हो लेकिन कंसेप्ट सही रहेगा तो हमेशा क्वेश्चन बनते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंथ पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द
एक्सपेल्ड गैसेस वेयर द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू क्या होती है? देखिए यहाँ पे जो है एन की जो वैल्यू होती है, तो देखिए आप जानते हैं कि एसिलेशन जो होता है आपका क्या होता है, डीवी बाई डीटी होता है, ठीक है। तो आपका जो एसिलेशन होता है वो हमेशा रॉकेट के फॉर्म जब भी ये होगा, ये पावर जो होता है वो पावर कितना होता है आपका, वेलोसिटी का हमेशा वन होता है, यानी कि डेरिवेटिव जो होगा वन होगा, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में पूछ सकता है या फिर आपका nth ऑर्डर के फॉर्म में पूछा था है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, वन होगा, क्योंकि n की वैल्यू होगी वो वन होगी, ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो देखिए जी की जो वैल्यू होती है इस पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर होता है, एम ई मास ऑफ द अर्थ और आर ई यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि 6400 होता है आपका रेडियस ऑफ अर्थ लगभग, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन बहुत मतलब कि पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मास जो है आपको जो है थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर कर दिया जाएगा, रेडियस जो है थोड़ा बहुत चेंज करके जो है आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आप बताइए जी की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तो आपका जो है आंसर राइट आएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है आपसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज आपका 60 वोल्ट दिया गया है, यानी कि वी की वैल्यू कितना दिया है 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉ अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर, आई की वैल्यू जो है आपका 4 एम्पियर दिया गया है फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करेंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू आपका 150 अधिक कर दिया गया है बढ़ा के 60 से, तो उस केस में आपको बताना है कि वो जो है करंट कितना मतलब ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इन दोनों के रिलेशन से आप निकाल सकते हैं आर की वैल्यू, आर की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी आपका 60/4 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि जो आपके हीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा कि ये आपका 15 हो गया, 15 ओम, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन दिया गया है, ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हमने निकाल दिया रेजिस्टेंस की वैल्यू, सेकेंड कंडीशन बोला जा रहा है कि यदि वी की वैल्यू आपका 150 वोल्ट कर दिया जाए और आर की वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि ये जो है हीटर का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, केवल वोल्टेज चेंज किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि सोर्स जो है वो चेंज किया जा रहा है, सोर्स जो है वो चेंज किया जा रहा है, लेकिन जो आपका हीटर है वो सेम है। अब पूछा जा रहा है करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं वी बाई आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 और ये अपॉन ये आपका 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, ये आपका एम्पियर हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो केस इसमें बन रहे थे, इसके आधार हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, तो देखिए ये आपका एसिड पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बोला जा रहा है कि अम्ल के बारे में जो है कौन सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है आपका स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि यदि जलीय माध्यम जैसे कि तरल अवस्था में जो है ये हमेशा एच प्लस आयन देता है और बेस जो होता है वो एच माइनस आयन देता है। इसके बाद आप देखिएगा तो आपका H2 और CO, ठीक है, लवण का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको मालूम है कि ये बाइकार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट, ठीक है, ये इनके साथ जो है ये रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो इस टाइप से यदि रिएक्ट करता है तो ये जो है एक सॉल्ट बनाता है और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन जल जो है बाहर निकलता है, या फिर मेटल के साथ करता है तो ये आपका जो है H2O जो है बाहर निकालता है, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो है H2O बाहर निकलता है। तो तीन तो इसी तरह से राइट हो गए, तो आप इसको जो है मतलब यदि आपको याद है प्रॉपर्टी तो इसको आप छांट सकते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जलीय माध्यम तरल अवस्था में विद्युतीय के सुचालक होते हैं, तो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं ये, देखिए वो आपके जो होते हैं एसिड नहीं होता है, आपका जो सॉल्ट होता है जैसे NaCl होता है, यदि ये जलीय यानी कि लिक्विड कंडीशन में रहे तो Na प्लस और Cl माइनस जो होता है ये फ्री कंडीशन में होते हैं, जिनकी वजह से जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आपका फ्लो होता है, लेकिन ओनली एसिड कैन नॉट बी फ्लो द लिक्विड, कैन नॉट बी फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये आपको जो है क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। बाकी आपकी प्रॉपर्टी यदि याद है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव अंडर द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स एट द डिस्टेंस ऑफ द 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो है आपका जो है फोर्स के ही डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है आपका। तो वर्क डन जो पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है। क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो है जीरो है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन और डिस्टेंस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 जूल हो जाएगा। तो जो कि आंसर में आपका दिया गया है, तो ये आपका 100 जूल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए इस वाले में क्या बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है इन अ कनकेव मिरर वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू गेट द रियल इन्वर्टेड एंड द डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन द सी एंड एफ। तो आपको जो है ये रियल इन्वर्टेड और आपका डिमिनिश्ड इमेज कब बनेगा ये आपको बताना है। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखिए कनकेव मिरर यहाँ पे बोला गया है, ये आपका जो है इनसाइड जो होता है ये आपका रिफ्लेक्टेड जो होता है सरफेस होता है आपका इनसाइड, ठीक है। और इसी बेसिस पे जो है हम कनकेव मिरर और आपका कन्वेक्स मिरर में जो है अंतर पैदा करते हैं। और ये आप जानते हैं कि ये आपका जो है फोकस होता है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी होती है आपका आर होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 2f होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका फोकस दूरी होती है, ठीक है। ये जो फोकस होता है और ये आपका जो है इसका सेंटर के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी होती है, और सेंटर से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो दूरी होती है वो आपका मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये भी सारी चीजें पूछी जाती हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी आप याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू 2f होता है। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। इसमें बोला गया है आपसे कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए कि रियल इन्वर्टेड एंड द डिमिनिश्ड इमेज बिटवीन द सी एंड एफ। सी एंड एफ यानी कि इमेज जो यहाँ पे बनना चाहिए और इन्वर्टेड बनना चाहिए, कुछ यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनने की बात बोली जा रही है। तो देखिए आपको ये चीज तब मालूम चलेगी कि जब आप जो है हर एक पोजीशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे जो है आपका इमेज बनता है और इमेज का जो है साइज क्या होता है। तो आप जानते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे यदि रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि बियॉन्ड सी, तो इसका जो इमेज बनता है वो सी और एफ के बीच में बनेगा और ये जो होगा आपका बहुत ही छोटा इमेज बनता है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनता है। इसके अलावा और भी सारे जो है इमेज से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो यहाँ पे कैसा बनता है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और ये वस्तु के बराबर यानी ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनता है। ये कंडीशन तो एक जो दिया गया वो मैंने बता दिया, सेकेंड कंडीशन ये हो गया। थर्ड कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया हो तो उस केस में कहाँ बनता है, तो वो आपका इन्फाइनाइट पे बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्फाइनाइट पे बनता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका एफ और आपका पी के बीच में हो तो ये आपका दर्पण के पीछे, ठीक है, और ये वर्चुअल और ये बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है, ठीक है, इन्हीं सारे कंडीशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में, उसमें पूरा हमको आपको समझाए हुए हैं। ये चार पांच जो कंडीशन होते हैं इस पे, ठीक है, इसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैक्सिमम जो है आपको ये वाला कंडीशन पूछा जाता है और आपका ये वाला एफ और पी के बीच वाला कंडीशन पूछा जाता है। ये दो कंडीशन मैक्सिमम पूछे जाते हैं और बाकी ये जो बचे हुए हैं वो भी कभी कभार पूछे जाते हैं। तो इनको दो ज्यादा आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैक्सिमम लोग क्वेश्चन इसको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि यहाँ तक तो सही रहेगा उनको। द वैल्यू ऑफ जी एट द माउंटेन एवरेस्ट इज ग्रेटर देन जी। तो ये आप जानते हैं कि यदि हम यहाँ पे बात करूँ जी
इजकल टू जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर होता है, और जी की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं कि पोल पे जो होता है आपका ये मैक्सिमम होता है। यदि इसकी बात करें हम आपके इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, और सेंटर की बात करें तो सेंटर की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, और आपका यदि सरफेस है तो अर्थ के ऊपर और नीचे जाने की जो वैल्यू होती है जी की वो क्या होती है, घटती है। ये आपका पांच क्वेश्चन जो है जी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ जी माउंट एवरेस्ट पे क्या होगा, वो बढ़ेगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका धरती से आप ऊपर या नीचे जाइएगा जी की वैल्यू जो होगी कम होगी। तो इस आंसर यदि देखा जाए तो इसकी ये जो आंसर है आपका द वैल्यू ऑफ जी एट द माउंट एवरेस्ट इज ग्रेटर लेस देन जी, तो ये सही होगा क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। बोला जा रहा है एक बाल है जो कि मतलब कि ऊपर वर्टिकली जो है फेंका जा रहा है और रिटर्न होने तक ग्राउंड तक उसके जो लग रहा है टाइम वो आपका 15 सेकेंड लग रहा है, तो इट्स वेलोसिटी इज 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये आपका एक कोई बॉल है, ठीक है, इसको यहाँ से जो है ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, इसको फिर ये आपका धरती पे आने में जिसको टाइम जो लग रहा है वो आपका 15 सेकेंड लग रहा है, तो वेलोसिटी जो होगी वो आपका 75 मीटर पर सेकेंड होगी। इसको वेरीफाई करना है आपको, यदि ये वेरीफाई हुआ तो ये आपका राइट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे आप बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट होता है कि आपको जितना इसको जाने में लगता है टाइम, ठीक है, उतना ही इसको आने में टाइम लगता है, दोनों लगभग न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, ठीक है। तो यदि इसको हम यहाँ पे यदि जो 15 दिया गया है यानी कि ये 2 टाइम्स जो भी रिटर्निंग टाइम होगी या आपका आपका जो है जाते समय या फिर आते समय का ये टाइम होगा, ये आपका 15 होगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है क्योंकि ये जाने और आने दोनों को मिला के ये 15 दिया गया है, क्योंकि आपका आने जाने में दोनों में सेम लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2t इक्वल टू आपका 15 कर दिया है, क्योंकि दो टाइम इनमें इंक्लूडेड है। तो टी एक टी की बात करेंगे तो जाने में या आने में जो टाइम लगा है वो आपका 7.5 है। अब आप जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ से फेंकी जा रही है तो ये जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए तो U की वैल्यू कितने हो जाएगी, 0, A की वैल्यू जो है हम 10 लेते हैं और T की वैल्यू जो है 7.5 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड, जो कि दिया गया है ऑप्शन में, यानी कि ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो है आपको राइट मिलेगा, आप चाहे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ T की वैल्यू 7.5 होगी, V की वैल्यू आप निकालिएगा तो यू प्लस ए टी, और यहाँ से देखिए आप देखिएगा तो ये आपका जैसे 10 हो जाएगा और ये आपका टी वैल्यू 7.5 यानी कि 75 आएगा, तो ये कंडीशन जो है आपका जो है मतलब कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे 150 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। और यही तक चेक भी करना है, क्योंकि ये वाला कंडीशन चेक करने में आपको झूठे मतलब कि आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि सेम चीज है ये दोनों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन की सीरीज से कितना कंसेप्ट सीख रहे हैं और आपका कितना कंसेप्ट जो है रिवीजन हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज होगी, इस सीरीज के तहत आपका जो है पूरा कंसेप्ट, ठीक है, जितना भी एग्जाम में कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो मैं इसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ जो है रेगुलर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए, ताकि जो है रेगुलर मैं आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।